mental health, mental health. Kaç bu pat? Mental health, mental health. Say no to drugs. Set yourself free. Set yourself. हेल्थ के जो इश्यूज है वो मल्टीप्लाई हो गए, नॉट इवन टू फोर्ड फोर फोर्ड मल्टीपल 1945 पेशेंट्स. ये इट्स बीइंग नाउ 3 इयर्स कंप्लीट हुए हैं. तो लगभग हमारे ऑन रोल जो पेशेंट्स थे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. जूटू से सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है, घर के अंदर जूटू की मंडियां हैं, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो. या हमारे कहीं घर में भी हम एक इसको प्रायोरिटी बनाए और प्रायोरिटी दें, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कंप्लीट हेल्थ तभी होगा जब हम मेंटली हेल्दी होंगे. अगर हम आजकल इतना टाइम गुजारते हैं जिम्स जाके, बाकी चीजें देख के, और अगर हम अपने मेंटल हेल्थ पे ही गौर ना करें तो इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं रहेगा. सो आज का ये जो है थीम यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा तवज्जो. परेशानी हमारे बीच में जुड़ गई वो है सब्सटेंस अब्यूज की. तो इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास एक बुरी चीज भी है और अच्छी चीज भी है. बुरी चीज ये है कि हमने कभी सोचा नहीं था साइकेट्री पढ़ते हुए कि हमको तालियां बजती रहनी चाहिए. आवाज तुफोल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आई एम हुमैरा अल्ता फ्रॉम एमबीए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. टुडे देयर वाज अ रैली रिगार्डिंग द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ इलनेस डे एंड वी वर द पार्ट ऑफ दिस रैली. टुडे वी लर्नड मोर थिंग्स अबाउट दिस मेंटल हेल्थ. व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द मेंटल हेल्थ. टुडे our youth is indulged in the unnecessary activities like the drug abuse. Drug is the most, you know, it's the most crucial thing in to in for the mental health. Today our youth is indulged in the unnecessary activities like the drug abuse. Drug is the most, you know, it's the most crucial thing in to in for 21st century. Our youth is indulged in this drug addiction, and drug is not a bad word in itself, but we are using it, we are misusing it in many ways. So यू नो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो हमारी मेंटल हेल्थ है इसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए रादर देन हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए. फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ साथ हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. भाई बहन या बाकी माँ बहनें और वो करते हैं आज ड्रग्स, तो हमें ड्रग्स नहीं करना चाहिए. ड्रग्स इज लाइक हार्मफुल डेथ, इससे हमें हार्मफुल डेथ हो जाती है एंड इट अफेक्ट्स our life and as well as our environment. और हमें पहले ही जो हमारे बहुत सारे इन यहाँ पे लोग हैं, हमें उनको पहले बोलना चाहिए कि आप ये ड्रग्स मत करें, आप अपनी लाइफ बनाओ. फिर पढ़ना है हमें, तो हम उससे मेंटल लाइफ पहले बनानी, पहले मेंटल हेल्थ होनी चाहिए. थैंक्स. और जो मेंटल हेल्थ का जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. डिप्रेशन पेशेंट्स हमारे बढ़ चुके हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. टर्मोइल है, कोविड रह चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब चीज़ें एड ऑन करती गई और लोगों के जहन पे बहुत बुरा असर पड़ा है. इसकी अवेयरनेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मेंटल इलनेस एक स्टिग्मा है, बल्कि ये स्टिग्मा नहीं है, ये वैसी ही कोई बीमारी है जैसे कि बाकी बीमारियाँ. सो इट्स नॉट अ स्टिग्मा. इसकी अवेयरनेस करना ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि ये छुपाना नहीं है, इससे डरना नहीं है. आप डॉक्टर्स कंसल्ट करें ताकि आपका इलाज हो, ताकि हमारे सुसाइड केसेस जो है वो कम हो जाए.
इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें ये होती है कि फैमिली को अगर लगता है कि एक बच्चा या कोई भी फैमिली में कोई भी मेम्बर डिप्रेशन से जूझ रहा है, उसको हेल्प करें, उससे फ्रेंडली रहें, उससे पूछें कि क्या रीज़न है, वो इशू सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, ताकि ऐसा ना हो कि वो किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, जैसे कि ड्रग्स में होता है या वो सुसाइड करने में बताना खासा मजबूर, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो ये फैमिली की भी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों पे या फैमिली मेम्बर्स पे ध्यान दें, और एज सोसाइटी हमारी भी ये बहुत ही प्राइम ड्यूटी है कि हमें इसकी अवेयरनेस करनी चाहिए, डिपार्टमेंट्स में जाके, स्कूल्स जाके, अलग अलग इदारों में जाके।